औरत वो जमीन है जो पुरुषों की वंश परंपरा को चलाने के लिए उनके वंश की पौत, उनके वंश, उनकी संतान को उत्पन्न करती है। इसी कारण औरत और पुरुष को एक दूसरे का पूरक माना गया है, क्योंकि पुरुष का बीज औरत के ही कोख रूपी जमीन पर अंकुरित होता है। परंतु यही निर्दयी पुरुष जब एक औरत को अपनी हवस का शिकार बनाकर उसकी कोख में अपने बीज को स्थापित करके उसे इस पुरुषों के समाज की भीड़ में अकेला छोड़ देता है, तो उस सबला औरत के जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि जिस औरत की जमीन रूपी कोख का कोई रखवाला ही ना हो, तो उसकी कोख में पनपता हुआ वो जीवन किसका वंशज होगा और क्या होगी उस जीवन की तकदीर? एक पुरुष के इस अत्याचार से पीड़ित वो औरत अंत में यही निर्णय ले लेती है कि अपने जीवन के साथ साथ अपनी कोख में पनपते हुए उस नए जीवन की भी लीला समाप्त कर दी जाए। और यहां क्या कर रही हो? देखो बहन, तुम्हारा बेटा हुआ है। लो संभालो। मर गए इसलिए? ये शमशान घाट है बेटा, भगवान शंकर का स्थान। यहाँ मरने के बाद हर इंसान को आना पड़ता है, लेकिन इस शमशान घाट में आज तुमने जन्म लिया है बेटा, इसीलिए तुम भगवान शंकर के बेटे कहलाओगे।
बेटा हूँ शंकर का, जिसका अपना कोई नहीं उसका शंकर होता है। शंकर ही सबको जिंदगी देता है, शंकर ही सबको मौत देता है। ये सब बात तूने बताई थी मुझे, आज तू ही मुझे छोड़ के चला गया। कैसी हो गौतमी? ये लो 10 रुपए का गांजा दो। क्या बात है, आज सुबह सुबह गांजा पीने आ गया तू? जब सारा जमाना तेरा गांजा पीता है तो मेरे पीने में क्या बुराई है? हाँ ठीक है, बुराई तो कोई नहीं है, पर तू शराब पीता था ना? छोड़ो ना गौतमी, शराब बहुत महंगी हो गई है अब, वो हमारे जैसे लोगों के काबिल नहीं रही, इसलिए शंकर का नाम लेके मारो दम मिटाओ गम। दो गांजे की पुड़िया। पढ़ाई करता है ना? नहीं मिलेगी जा। अरे यार क्या तू क्या इन लोगों की तरह दिन भर हाथ गाड़ी खींचता है या रिक्शा चलाता है? ये बेचारे तो बदन दर्द दूर करने के लिए पीते हैं और तू बस ऐसे ही मजे के लिए। ए, लेक्चर मत दे, पैसे ले और गांजा दे हमें। मोर खड़गा, चल जा ऐसे। ए, इज्जत से बात कर। इज्जत चाहिए? कैसी इज्जत चाहिए तुझे? अरे जाने दे गौतमी, बच्चे हैं, मजे बाप की कमाई में नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कैसे बच्चे हैं आजकल के, मौज मस्ती के लिए जहर भी पीने चले आते हैं। क्या है रे? ए सुनो, ये चांडाल है, धंधा खराब करने आ गया, जा रे। जा बोला ना, ए भगाई से। ए चल वहां जाके खा, जा। सुना नहीं, वहां जाके खा, जा ना। भूर के क्या देख रहा है बे? चल बाप की दुकान है क्या? चल भाग। क्या रहा है, मार कर भगा इसे। या बे, अपने बाप की दुकान समझ रखी है, हट। अरे क्यों लड़ रहे हैं ये लोग, देख क्या रहे हो, जाकर रोको ना उन्हें। अरे
रुक जा, चल जाओ यहाँ से। ए, अरे तुम भी मुझे ही मार रही हो। उस चांडाल को मारो ना जो सीधा तुम्हारी दुकान में घुस जाता है। ए, तमाशा क्या देख रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। मजा आता है ना लड़ाई झगड़ा करने में। ए सेठ, उसे कुछ खाने को दे देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें पता है क्या हुआ? ये चांडाल दुकान में आकर लोगों के बीच बैठ गया था। मेरी दुकानदारी खराब हो जाती तो। मारपीट करके जो तमाशा खड़ा किया है, इससे क्या दुकानदारी चमक जाएगी? एक ना समझ के साथ सब लोग ना समझ बन जाते हैं। पता नहीं क्या होगा इनका। ए पहलवान, तुझे खाना चाहिए ना? चल चल ना। पागल कहीं का, पॉकेट में सारा नुकसान कर दिया। ए, सब सामान सीधा कर। इस तरह सड़क पर लड़ाई झगड़ा मत किया करो, वरना पुलिस पकड़ के ले जाएगी तुम्हें। चल बैठ जा। लेखा, अरे बहुत दिनों से भूखा है लगता है। ये भी क्या करे, गांव में बहुत दिनों से कोई मरा भी तो नहीं है। ए, पानी दे से। पानी? भाई मुझे याद रखना, मैं भी बहुत जल्द आने वाला हूँ आपके दरबार में। मेरी चिता को जरा ठीक से जला देना बड़े भैया, ठीक से जी नहीं पाया, कम से कम जल तो जाऊंगा। ठीक से दीजिए दीजिए दीजिए। ए? क्या है? चल जा। आदमी है, ऐसे घूर क्या रहा है? चल निकल यहाँ से। तू तो पीछे पीछे घर तक ही चला आया। देख क्या रहा है? मैं क्या कह रही हूँ कुछ समझ नहीं रहा क्या? तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्या काम धंधा करना चाहता है क्या तू? देख भाई, मैं तो गांजा बेचती हूँ, लेकिन ये धंधा बहुत ही लफड़े वाला धंधा है। एक काम करती हूँ, तुझे अपने सेठ के पास ले चलती हूँ, वो जरूर तुझे कोई ना कोई काम दे देंगे। कहाँ छुपा हुआ था ये? शिव पहाड़ के पीछे। देखना तेरा क्या हाल होगा। ले चलो इसे। चलो। कितना पैसा मिला था रे? पैसा पुलिस से लिया था या नारकोटिक्स वालों से? पैसा लेकर मेरे साथ गद्दारी क्या कमीने? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे मर जाएंगे, छोड़ दीजिए, बस कीजिए, छोड़ दीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, छोड़ दीजिए, मर जाएगा ये, जाने दीजिए। इसकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए मुझे। ए वकील, इधर आ। हमारे लड़कों को पुलिस जिस जिस केस में ढूंढ रही है वो सब चार्ज इस पर लगाकर अंदर डलवा दो। ये मानेगा क्या? मानूंगा साहब, मानूंगा। इसने अपनी गलती मान ली है, अब आप
शांत हो जाइए नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। चल हट। ओए! फिर किसी ने अगर ऐसा किया तो उसकी बोटी बोटी करके फेंक दूंगा। तुम लोग मेरा ही दिया हुआ खाते और मुझसे ही गद्दारी करते हो। साहब तुम यहाँ कैसे? तुम्हें बेचने के लिए गांजा घर पर ही मिल जाता है ना, फिर तुम यहाँ क्यों आती हो? काम चाहिए। अब तुम्हें और क्या काम चाहिए? मुझे नहीं, इसे। अरे जिस पर भी दया दिखाकर काम पर रखो वो कुछ दिनों बाद गद्दार बन जाता है। नहीं कोई काम नहीं। ऐसा मत बोलिए साहब, मेरी तरह ये भी बेचारा बिल्कुल अनाथ है, शमशान घाट में रहकर बड़ा हुआ है, इसे दुनियादारी का कुछ भी पता नहीं है साहब। पुलिस, पैसा, ये सब कुछ नहीं जानता ये। तो क्या जानता है ये? वो क्या कहते हैं, वफादारी, बस यही जानता है ये। दोने वाले खाना क्या खिला दिया, मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गया। ए जीजा, जब पहाड़ पर जाना तो इसे भी साथ ले जाना। इतना दूर क्यों साहब, यही कोई काम दे दो ना इसे। मेरा काम हो गया ना,